हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल अर्पिता किचन कॉर्नर में। आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स बाजार जैसे ऑनियन ओट्स, जिसके लिए मैंने ये सफोला ओट्स लिए हैं, आप देख सकते हैं। फिर ये एक ऑनियन लिया है, ये नमक है, ये मिर्च है, ये पानी लिया है जिसके हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम मैंने ये ऑनियन ले लिया है जिसके हम छिलके निकाल लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने इस ऑनियन के छिलके निकाल के इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब मैं इस ओट्स को भी इस बाउल में निकाल दूंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने इट्स ओट्स को इस बाउल में निकाल दिया है, आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी। ये केवल एक पर्सन के लिए सफिशियंट है। ठीक है, तो अब हम ये इस वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम कढ़ाई को इस गैस पे रख देते हैं, फिर हम गैस स्टार्ट कर देते। इसकी आँच हम पहले धीमी रखेंगे, हम पहले पानी नहीं डालेंगे, पहले इसे गर्म होने देंगे। इस कढ़ाई को थोड़ी सी मीडियम कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें पानी डालेंगे, लेकिन पानी मैंने अपने माप के हिसाब से डालूंगी। आप देख सकते हैं इस बाउल, मैंने इस बाउल लिया है, अब इस देख सकते हैं मैंने इस बाउल का माप लिया है, इतना पानी मैं अभी डालूंगी। मैंने ये माप ले लिया है, आप देख सकते हो। अब ये पानी मैं इस कढ़ाई में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं हमारी कढ़ाई पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पहले पानी में ये मैंने नमक डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं क्वांटिटी कितनी ली है। मैं यहाँ स्वाद अनुसार ले रही हूँ, आपको ज़्यादा चाहिए तो आप डाल सकते हो। फिर मैं ये मिर्च ले रही हूँ, लाल मिर्च है, ये भी मैं स्वाद अनुसार ले रही हूँ। आप सबको तीखा पसंद हो तो ज़्यादा ले सकते हैं। अब मैं इसे पूरी तरह से पानी में मिक्स कर दूंगी। पानी हमारा ऑलरेडी गर्म हो चुका है क्योंकि कढ़ाई हमारे पहले से ही गर्म थी, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अब हम इस ओट्स को पानी में डालेंगे, लेकिन हम धीमे धीमे ही डालेंगे ताकि पानी में घुल जाए, और बीच बीच में हमें हिलाते रहना है। फ्रेंड्स मेरे ओट्स का पूरा पूरा पानी में डाल दिया है, ओट्स को आप देख सकते हैं। अब पूरी तरह से मैं इसे मिक्स कर देती हूँ ताकि मसाला पूरा मिल जाए अंदर। फ्रेंड्स हमें इसे बीच बीच में हिलाते रहना है, ऑलमोस्ट हमारा पकने वाला है। मैं यहाँ इसे लिक्विड फॉर्म में बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाला है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका उबर आने लगा है, अब हम इसमें ऑनियन डाल देंगे। फ्रेंड्स हमें ये याद रखना है ऑलवेज कि उबर आने के बाद ही हमें इसमें प्याज डालनी है, उससे पहले नहीं डालनी है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये पूरी तरह से पक गया है, अब हमारा ऑनियन ओट्स अब रेडी हो चुका है। अब हम इसे गैस बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा ऑनियन ओट्स रेडी हो चुका है। आप भी अपने घर में ऐसा स्वादिष्ट ऑनियन ओट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।